हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 6 अक्टूबर और आज से सभी घरों में, अपने अपने घरों में सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, नवरात्रि पूजा का। तो मैं अपने घर में ये माता रानी का ड्रेस सिल रही थी। तो कल है नवरात्रि का पहला दिन और माता रानी सबके घर में आएंगी और सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा करेंगे माता रानी का। तो मैं ये कपड़ा सिल रही थी माता रानी का, तो देखिए ये मैंने बना दिया है। और मैंने कुछ आज शॉपिंग भी की है, छोटी मोटी शॉपिंग जो मैं ये वीडियो में आपकी दिखाऊंगी। तो ये है माता रानी का ड्रेस जो मैंने बना दिया था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो मैंने पूजा के लिए लिया है सामान। उस सामान जो है डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए चुंदरी माला यही सब, थोड़ा बहुत सामान जो कल मैं गई थी मार्केट, आज मैं गई थी तो वही लाई थी थोड़ा बहुत सामान। तो जिसमें है ये माता रानी की चुन्नी जो कि मैं इनको चढ़ाऊंगी वो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। ये दो लिए हैं मैंने, 35 रुपीज़ का है ये। और उसके बाद ये है माता रानी की माला जो कि है 10 रुपीज़ की। और ये है छोटी सी चुनरी माता रानी को ओढ़ाने के लिए, जो मैं आज कल पूजा करूँगी उसको माता रानी के फोटो में ओढ़ाने के लिए है। और ये मुझे अच्छा लगा गोटा पट्टी तो मैं इसको ले लिया था मैंने। ये जो है ये 5 या 10 रुपए की है और ये मैंने लिया है, पूरा ले लिया है कि कभी किसी चीज़ में काम ही देगा सजाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और एक ये भी लिया है 10 रुपए का ही अभी, तो कुछ किसी कोई कोई चीज़ बनाना होता है तो इसी में लगा के कर दिए। तो ये, और ये मैंने माता रानी का ड्रेस तैयार किया है कपड़ा खुद से, कल मैंने सिला था इसको तो मैंने ये खुद से बनाया है। और ये एक बिंदी का पत्ता मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने लिया है 10 रुपए का, और मुझे ये अच्छा लगा बिंदी का पत्ता बिंदी। और ये माला जो है गेंदे का फूल का, ये आर्टिफिशियल है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया। तो ये दिया है 45 या 40 रुपए का, 45 रुपए का एक, ये इतना बड़ा, ये मैंने दो लिया है। इसको मैं सजाऊंगी तो आप लोग देखिएगा। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, लगे बताइएगा जरूर। और ये मैंने लिया है चुंदरी पेपर जो कि माता वहाँ पे भगवान जी के पास नीचे बिछाने के लिए। तो उसके बाद फिर शाम को सुबह में मैंने ये सारा भगवान जी के पास सारा बिछा दिया था पेपर को, चुंदरी पेपर को, और भगवान जी सबके फोटो को साफ कर रहे थे। करके फिर उसके बाद मैं पूजा के लिए वो सजावट कर दूंगी, जो भी फूल माला है थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है जैसे, उसी तरह से मैं सजावट कर दूंगी अपने भगवान जी के मंदिर को, अपने घर के मंदिर को। तो आज है 7 अक्टूबर और है आज नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में आएंगी और सभी लोग अपने अपने माता रानी का स्वागत करेंगे अपने अपने घरों में। तो सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा भी करेंगे। तो मैंने नहा, तो उसके बाद हम लोगों ने पूजा करने के लिए तैयारी सारी कर रखी थी और उसके बाद मैं पूजा कर रही थी। तो
सारे भगवान को चंदन टीका लगा के फिर माता रानी को कपड़ा पहना के और करेंगे आज। और आज जो है पहला दिन है तो हम लोगों का फास्ट है, मेरा और मेरी सासू माँ का, हम दोनों फास्ट हैं, उपवास रखे हैं आज। तो वही माता रानी का कपड़ा पहना रहे हैं और उनको चुंदरी ओढ़ाएंगे, और कितनी अच्छी कपड़ा पहनाएंगे और चुंदरी ओढ़ाएंगे। और उसके बाद भोग प्रसाद यही सब होगा लगेगा, और तो उसके बाद फिर आरती करेंगे। तो कपड़ा मैं पहना रही थी और माता रानी के सभी लोग पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, घर में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। और आस पड़ोस में जो भी जगह है माता पंडाल बने हुए थे, मूर्ति जहाँ पे माता पूजा होंगी पंडाल में, वहाँ पे गाने बज रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा था भजन। और ये है प्रसाद जो उनको मैं चढ़ाऊंगी, भगवान जी को मेरी सासू माँ चढ़ाएंगी प्रसाद, और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो ये प्रसाद उनको चढ़ा के और मैं आरती की थाली, उसके बाद मैं आरती की थाली में स्वास्तिक बना के वो आरती करेंगे माता रानी का। तो देखिए मैया जी को निश दिन ब्यावत आई ब्रह्मा शिवरी, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको, ओम जय अम्बे गौरी। करने के बाद हम लोगों ने क्षमा मांगी और प्रणाम करके क्षमा मांगी कि जो भी हम हे माता रानी हम लोगों से भूल चुके हैं, सबको माफ़ कीजिएगा, और आप सभी हम सभी पे सभी लोगों पे कृपा बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा अपने सारे बच्चों पे। तो यही सब, और अपने अपने घरों में आप लोगों ने कैसे पूजा किया और कैसे कैसे ये 9 दिन निकल जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। और सब और मेरी पूजा हो गई, उसके बाद ऐसे ही घर में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ रहता है सभी के घरों में, और माता रानी अपनी कृपा सब पे बनाए रखे और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तब जय बोलो साँचे दरबार की जय।